बिग बॉस ओटीटी के विनर और यूट्यूबर एलविश यादव पर रेप पार्टी करने का आरोप लगा है। इस मामले में नोएडा पुलिस ने उन पर एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एलविश यादव नोएडा में रेप पार्टी कराते हैं। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेरा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एलविश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एलविश यादव रेप पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेगी, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही बिग बॉस ओटीटी 2 का खिताब अपने नाम करने वाले गुरुग्राम लौटने पर एलविश यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जीत की बधाई दी थी। साथ ही सीएम खट्टर ने एक्स पर भी एक पोस्ट कर एलविश यादव की जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद सीएम खट्टर एक मंच पर भी एलविश यादव के साथ दिखाई दिए थे। बता दें कि एलविश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस की ओर से केस दर्ज किए जाने के बाद वह फरार है, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एलविश यादव नोएडा में रेप पार्टी करते थे और उसमें बताया गया है कि इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की भी एंट्री होती थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एलविश यादव समेत 6 करीबियों को पकड़ा है। नोएडा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक एलविश यादव की रेप पार्टी में विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनके कब्जे से 9 जहरीले सांपों को भी बरामद किया गया है और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने एलविश यादव को इस पूरे मामले का सरगना बताया है। उन्होंने कहा कि एलविश की गिरफ्तारी जरूर हो। मेनका गांधी ने कहा कि एलविश को 7 साल की सजा होनी चाहिए। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एलविश यादव की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ की फोटो शेयर करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।